नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रोशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं बिहार स्टोरी मीडिया में। जब बात बिहार की डेवलपमेंट की होती है तब रोजगार, शिक्षा, निर्माण ये सारी मुद्दाएं काफ़ी अहम हो जाती है। तो इन्हीं में से किसी एक मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं निर्माण पे, क्योंकि निर्माण ही शायद कहीं ना कहीं रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है। अगर निर्माण बनता होता है तो लोगों को रोज़गार मिलता है, यहाँ से होने वाली सुख सुविधाएँ का लोग लाभ उठाते हैं। तो हम पटना के एक नए बन रहे मॉल में आए हैं, जो कि इसका नाम है ग्रेविटी मॉल, जो कि पटना के सेंटर, पटना का दिल का धड़कन कंकड़बाग एरिया में बन रहा है। अगर इसकी लोकेशन की और बात करूं मैं तो आपको एक साइड मिल जाता है राजेंद्र नगर टर्मिनल, और इसके जस्ट नियर में है केएफसी, है पटना कंकड़बाग का केएफसी, और साथ में चुन्नीलाल मेगा मार्ट। ये 37,000 स्क्वायर फीट में बन रहा मॉल काफ़ी अपने आप में अत्याधुनिक है और काफ़ी अच्छा बन रहा है। इसमें सारी सुविधाएं एक साथ एक छत के नीचे लोगों के लिए उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं इस मॉल को, और यहाँ पे बात करेंगे उन अधिकारियों से भी जो इस मॉल को बनाने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देर नहीं करते इस वीडियो को। यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ इस मॉल के कंस्ट्रक्शन हेड, जो कि मार्केटिंग हेड भी हैं। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के मॉल के बारे में। तो सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार। संजीव जी, तो आप बताएंगे कि आप यहाँ पे कब से हैं? मैं डे वन से, जिससे प्रोजेक्ट हमने शुरू किया तब से मैं यहाँ पे, तब से यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मॉल होता क्या है, मॉल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, मॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। अच्छा, मॉल मतलब वो होता है जहाँ से आपको छुरी से लेकर तलवार तक का सामान मिले। दैट मीन्स कि आपका मूवी भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, रेस्टोरेंट भी हो, फूड कोर्ट भी हो, एक हाइपर मार्केट हो, उसी को मॉल आप कहिएगा ना। अच्छा, तो ऐसा तो आपके पास आ ही रहा है बिहार में, एक अच्छा चीज़ लेकर आ रहे हैं ग्रेविटी मॉल के नाम से। इसके अंदर हमने मल्टीप्लेक्स भी दिया, पीवीआर है मेरा आ रहा है, हमने एक हाइपर मार्केट मैक्स को भी दिया है, बाकी ब्रांडेड शोरूम सब हैं आपके पास, नुमरो यूनो है, लिवाइस है, ब्लैकबेरी है, जोडियन है, आपका एलन सोली है, वैन रुशन है, यूसीबी है, और भी बिंग ह्यूमन है, और भी बहुत सारे ब्रांड आ ही रहे हैं। फूड कोर्ट में भी आपके पास है सर, मेरे ख्याल फूड कोर्ट में हमने बर्गर किंग दिया है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है मेरे पास। तो ये सारे नए ब्रांड इसमें कुछ आ रहे हैं, और कौन सा नया ब्रांड आ रहा है यहाँ पे, जैसे जो अब तक पटना में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है? जैसे जोडे नहीं पटना में कहीं नहीं, बर्गर किंग पटना में कहीं नहीं है जी, वो भी आपके पास आ रहे हैं। ये सारे आपके नए ब्रांड्स आ रहे हैं पटना में, जो कि इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, इस मॉल में कितने फ्लोर हैं और क्या इसमें पार्किंग वगैरह की सुविधाएं के बारे में बताना चाहेंगे? आपके पास ये जो मॉल है मेरे पास, ये G+7 है और -3 है, G-3 G+7, जो कि शायद पटना में कोई पहली बार है कि -3 में कहीं पहला मॉल या कहीं भी पहला कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कह सकते हैं कि -3 हमने पहली बार उतारा यहाँ पर पटना में जी। और मेरा जितना भी पार्किंग है सब मैंने आपको लगभग मैकेनिकल पार्किंग यहाँ पे दिया, राउंड अबाउट 200-250 कार्स की पार्किंग मैं दे रहा हूँ इसके अंदर, पूरी मैकेनिकल है आपके पास पार्किंग। जिसको मैकेनिकल वो होती है कि एक ऊपर और एक नीचे गाड़ी लगा सके, ये सुविधा आपको मिल जाएगी। और मेजर जो अभी के तारीख में पार्किंग सबसे बड़ा समस्या है, उसको हमने ध्यान में रखते हुए किया है कि लोगों को पार्किंग की दिक्कत नहीं हो, ये हमारा कॉन्सेप्ट था इसको। तो यहाँ पे किस फ्लोर में क्या रहेगा और कैसे इसको आपने डिवाइड किया, क्या आप बताएंगे? जैसे कि मेरा दो फ्लोर नीचे मैंने पार्किंग दिया है, उसके बाद मेरे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हमने हाइपर मार्केट वगैरह दे रखा है, फिर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर तक हमने सब शोरूम दिए हैं, फूड कोर्ट पे मेरा फोर्थ फ्लोर पे फूड कोर्ट है पूरा, और 5th, 6th और 7th मैंने मल्टीप्लेक्स दिया, पीवीआर को मैं ला रहा हूँ बिहार में पहली बार। पीवीआर बिहार में पहली बार आ रहा। अब बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं हैं जो अगर बच्चे अगर परिवार के साथ आते भी हैं, और ज़रूरी भी है सर, हमारा पहला है कि हम बच्चों को अट्रैक्ट करें, बच्चे अट्रैक्ट होंगे तो अपने आप आपके पास एक मॉल में गार्जियन आ जाएगा, हमारा ये सोचना है सर। बच्चों के खेलने के लिए हमने वो दिया ना, कार रेसिंग वगैरह पूरा व्यवस्था देंगे, हाँ वो भी देंगे, उसके बाद आपका 3D 7D जो मूवीज वगैरह थी वो भी हम आपको देंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। हाँ जी, बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आए यहाँ पे, जब बच्चे आएंगे तो पेरेंट्स अपने आप आ जाएंगे सर। और आज के समय में सबसे बड़ा सवाल होता है, मुद्दा होता है कि कहीं भी लोग जाते हैं तो सिक्योरिटी बहुत बड़ी मुद्दा होती है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी का बहुत तगड़ा इंतजाम किया है सर, अभी तो गवर्नमेंट भी कर रही है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाओ। आज गवर्नमेंट ये चीज़ सोच रही है, जिस हमने शुरू किया तभी हमने इस पर लिखा था 3-3 ईयर सिक्योरिटी, पूरा मॉल आपका सीसीटीवी सर्वेलेंस में चलेगा, पूरा मॉल। आप अभी भी आप इंटर कर रहे हैं या आप एग्जिट करेंगे, आप कैमरे में हैं कैद। अच्छा,
अच्छा बिल्कुल अभी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन के समय में, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि ये सारी चीज़ सुविधाएं आपके साथ एक जगह मिल रहा है। और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग चाहते हैं कि आज के समय में मॉल में जो कि पटना में नहीं है, जिम स्पा रिलैक्सेशन के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं हो, तो ऐसा कुछ है व्यवस्था? ऐसा करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे एकदम। अच्छा यहाँ पे कितने शॉप्स बन के तैयार होंगे? लगभग राउंड अबाउट 100 के आसपास आएंगे सर, 100 नंबर। 100 दुकानें आपको, 100 दुकानें यहाँ पे होंगी। और कितने अभी तक मतलब लग चुके हैं कि हाँ ये चीज़ें हो चुकी हैं? राउंड अबाउट में 80% प्रोडक्ट अपना सोल्ड कर चुका हूँ सर, 80-90%। तो ये किस बेसिस पे जा रहा है, रेंटल बेसिस पे या फिर सेल भी हो रहा है? मैं सेल बेसिस पे करता हूँ, और मैंने एक सुविधा दे रखी सर यहाँ पे कि मेरा खुद का लीजिंग टीम है सर, जो कि आपने परचेज किया और मैं उसको रेंट आउट कर दे रहा हूँ सर। ये पटना में एक बहुत बड़ी सुविधा है सर, और कोई नहीं देता इस चीज़ को। आज मेरे साथ किसी की डिस्कशन हो रही थी, मैंने बोला कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो और वो कंपनीज को रेंट आउट करके दे रही है, वो भी अच्छा रेंटल के ऊपर, तो फिर आप बाहर क्यों जाएंगे? ये हमने इन्वेस्टर की सिक्योरिटी के लिए काम किया सर ये। अच्छा, और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे ये जो काम चल रहा है कितने सालों से चल रहा है? सर देखो, हम जब हम यहाँ पे काम शुरू किए हैं अराउंड अबाउट 4-5 साल होगा इस काम को। अभी तो मैं 2-3 महीने से कंप्लीट कर दूंगा ये पूरा। देखो कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? आप ये मान के चलो कि 3 महीने मुझे और दो, चूँकि PVR वगैरह काम वाम कर रहा है, तो अभी जो स्थिति अभी चल रही है उसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग जाता है, चूँकि कोरोना को लेके भी है, थोड़ा गाइडलाइंस गवर्नमेंट का पूरा करना पड़ता है। पर आप इस शेल्टर में रेडी कर दिया, लिफ्ट में लगा ही रहा हूँ, पूरी फ्लोरिंग में कर चुका हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पर मैंने फ्लोरिंग रेलिंग फॉल सीलिंग में सब कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छा, अभी के तारीख में स्थिति क्या है कि मुझे ग्लास डोर लगाना है, लॉक देना है, काम खत्म मेरा। उसके बाद जो ब्रांड लेगी वो ब्रांड अपना काम करेगी। अच्छा, और फायर सेफ्टी और डिजास्टर सेफ्टी के लिए आपने नज़र में जरूर रखा है? 100% सर, फायर सेफ्टी के लिए पूरा सर नज़र रखा। आप ये देखो सर, फायर दिख रही है? अच्छा, ये पूरा ग्रीन वाली या रेड वाली? रेड वाली सर। और ये ग्रीन वाली क्या है? एसी के लिए होती है। ग्रीन वाली एसी की पाइप है और रेड वाली जो है वो फायर सेफ्टी? हाँ जी सर। तो ये मॉल जब बन के तैयार होगी तो आप लोगों से? सर ये तो गवर्नमेंट का नॉर्म है सर, फुल फायर सेफ्टी दीजिए आप उसको। सेंट्रलाइज्ड एसी मॉल है सर मेरा, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मॉल है सर। आप सब दुकान देखो, एसी लगी हुई है। एसी लगी? हाँ जी, पूरा कंप्लीट एसी मॉल है ये। और जब ये मॉल बनकर तैयार, वाईफाई इनेबल्ड मॉल दूंगा सर। अच्छा, आप वहाँ भी बैठेंगे, आप मॉल अपना वाईफाई चला, मतलब मॉल के आसपास हम हैं तो वाईफाई लगा सकते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा, जब ये मार्क दे रहा हूँ सर पूरे पटना के लिए, लैंडमार्क? हाँ जी। अच्छा, और आप इस एरिया को पहले जैसे भी जानते हो, मैनेजर नहीं कह सकता, पर आप ये जानेंगे हाँ ये ग्रेविटी मॉल के आसपास हम रहते हैं ये कह सकते हैं। ये ग्रेविटी मॉल काफ़ी अच्छी सौगात हो सकती है इस साल बिहार वासियों के लिए, तो इस बिहार वासियों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि लोग क्या रिस्पॉन्स करें इस मॉल को? सर देखो, लोगों का ही हम लोगों का बहुत बड़ा प्यार मिला है, जो आज हम यहाँ खड़े हैं और बना भी रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा, आज उन्हीं लोगों की वजह से हम खड़े हैं। जी, अगर पब्लिक का साथ ना हो तो आप कोई काम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब बिहार की जनता बहुत अच्छी है सर। अच्छा, उन्होंने उन्हीं का सहयोग है हम आज इतने प्रॉपर वे में अच्छे से खड़े हैं, आज बना रहे और प्रोजेक्ट को हम सेल भी कर रहे हैं, ये अच्छा बात है सर। तो चलिए संजीव जी से बात, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मॉल जब बनकर तैयार हो जाएगा तो हम जल्दी से जल्दी आएंगे और फिर से इस मॉल को पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि पटना वासियों से कि वो आएँ, इस मॉल का लुत्फ़ उठाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ऐसी मॉल की ज़रूरत पटना के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर एक छत के नीचे लोग सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकें और मज़ा ले सकें। उम्मीद करते हैं कि लोग यहाँ पर रिलैक्स फील करेंगे जब आएँगे, तो यहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसमें सर कोई शक नहीं, लोग आएंगे तो रिलैक्स भी फील करेंगे और उनकी जरूरत भी पूरी होगी सर। अच्छा, और गेमिंग, उनकी जरूरत को ही ध्यान रखे इतना हमने काम किया। अच्छा, कुछ गेमिंग जोन, प्ले जोन, कार रेसिंग, ये आपका जिम स्पा, सारी सुविधा दूंगा सर इसमें। अच्छा, सारी सुविधा दूंगा आपको, कोई ऐसा नहीं कि हमको निराश होकर जाना पड़ रहा है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं मिली, मैं यहाँ पे मॉल में वापस चला गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ ये सारी सुविधाएँ इस मॉल में एक छत के नीचे लोगों को मिलेगा। जब इसमें मैं PVR, मेरा मेन अट्रैक्शन हो रहा है, जब मैं PVR वगैरह मूवी चलाऊंगा, लोगों को आपको बर्गर किंग का टेस्ट मिलेगा, आप डोमिनोज का भी मज़ा ले सकते हैं, नीचे शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं, हाइपरमार्केट जब घूम सकते हैं, तो आपको हर चीज़ का लगेगा हाँ मॉल में घूम रहे हैं। और मुझे जहाँ तक पता चला है संजीव जी, कि एक यहाँ पे पार्किंग का एक नया अत्याधुनिक व्यवस्था, जो कि पटना में नहीं है, ऐसा कुछ आप ला रहे हैं? हाँ, मैकेनिकल पार्किंग में ला रहा हूँ सर। मैकेनिकल क्या होता है? ला रहा हूँ सर, मैकेनिकल पार्किंग होता है क्या सर, आपने अगर अभी सर आपका एक सुविधा कुछ बाहर के स्टेट्स में है सर। अच्छा, एक गाड़ी आप नीचे लगाइए, उसके ऊपर एक और गाड़ी लगे, तो मतलब डबल डेकर टाइप का हो गया सर वो,
तो आपका क्या होता है कि इस हाइट में आप दो गाड़ी लगा सकते हो, बहुत इजी स्पेस बच जाता है, स्पेस बचता है सर। तो ये सारी चीज़ें होंगी, मज़ा आएगा सर। उसका चार्ज क्या रहेगा, मतलब वो चार्ज क्या नॉर्मल चार्ज से ज़्यादा हो जाता सर? वो अभी चार्ज नहीं क्लियर कर सकता, जब तक वो चीज़ को मैं ला नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, उसको मैं खुद से देख लेता हूँ, फिर मैं चार्ज आपको डिक्लेयर करूँ। वो ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लोग अफोर्डेबल रहेगा मुझे यहाँ तक। और कितनी बाइक्स लगेंगी यहाँ पे टोटल सब? आप मान के चलो कि राउंड अबाउट 100 बाइक्स आपके आराम से लग सकती है। और कार कितनी रहेंगी? राउंड अबाउट 250 कार, 100 बाइक्स। और एक बात और अंत में जाते समय हमें बताएं संजीव जी कि यहाँ पे जब एक ये मॉल बनकर तैयार हो जाएगा तो एक साथ कितने लोग इस मॉल में रह सकते हैं खड़े? एक साथ सर हमने इसको डिज़ाइन किया है 5000 लोगों के ऊपर। अच्छा, आराम से 5000 लोग मूवमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, और मुझे जहाँ तक पता है कि PVR का 3 स्क्रीन यहाँ पे लग रहा है जी सर, तो ये वो सारा चीज़ इंक्लूड करके 5000 लोग यहाँ हाँ जी सर। PVR का 3 स्क्रीन है मेरे पास, और आप ये समझो कि लगभग 800 गाड़ी की पार्किंग मेरे पास होगी, 800 लोगों के बैठने की कैपेसिटी मेरे पास होगी। अच्छा, 800 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी और लगभग 200 से 250 गाड़ी के पार्किंग की स्पेस आपके पास होगी। यहाँ पे सर मैंने स्वेटर दे रखा है, स्वेटर है ना, ये आपको सिर्फ बेसमेंट में ले जाने के लिए। आप बेसमेंट इससे भी जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, मैक्स में या वाट एवर जो भी ब्रांड आ रही है, मैक्स में या रिलायंस वाले को माला रिलायंस में आप जाएंगे, आप लिफ्ट के थ्रू जा। और कुछ जो आजकल का सबसे बड़ा एक होता है कि हैंडीकैप या फिर जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं हैं? बिल्कुल सर, वो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो नॉर्म है सर जी। बिल्कुल, आप हैंडीकैप से व्हीलचेयर से आगे से आ सकते हैं। अच्छा, तो मैं दूंगा यहाँ पे। अच्छा, आप आगे से व्हीलचेयर से ऊपर से आ जाइए, उन्हीं के लिए मान लिया आप लिफ्ट, क्योंकि वो एस्केलेटर प्रेफर नहीं करता, लिफ्ट से जाइए, लिफ्ट से जाइए। हाँ, सारी सुविधा आराम से जाइए लिफ्ट से। आपको ऐसे ऊपर जानी है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वहाँ से है, पूरा लिफ्ट ऊपर तक जा रही है, फोर्थ फ्लोर तक आप जाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, इधर सारा मेरा शोरूम है सर दोनों साइड से। मॉल में बाहर आपको कुछ दिखा, आप इंटर करेंगे तभी आपको सर समझ में आएगी मॉल में। अब अभी सर देखो सारा काम मैंने कर रखा है, देखो क्या हुआ, फ्लोरिंग मैंने कर रखी, रेलिंग मैंने कर, पूरा रेलिंग में सर ग्लास व्लास है, आगे भी सर यहाँ पे ग्लास लग जाएगी ताकि आपको प्रॉपर सनलाइट भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि खाली आप लाइट पे बदलते हैं, आपको एक सनलाइट भी मिलेगी मॉल के अंदर। हाँ, और आप अगर यहाँ खड़े रहोगे आप कितना अच्छा लुक आता है सो देखो, ऊपर मैं बना दूंगा, आप यहाँ खड़े व्यू कितने मज़ेदार मिलेगा। मैं ऐसा मॉल शायद ये डिज़ाइन ऐसा मॉल मैंने कोलकाता के एक मनी स्क्वायर मॉल को मैंने देखा है, तो वहाँ गया हूँ, तो ये सारी मॉल वहाँ से मैंने देखा है किस तरह का, ये बहुत ही अच्छा तरीके से। पर वैसे ही कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने चुना भी है सर, कि ऐसा चीज़ हो यहाँ पे कि लोगों को लगे कि हाँ हम मॉल के अंदर हैं, दे फील कि वी आर इन मॉल। बस ये चाहिए, जब के पास ये फील आ जाएगी ना तो फिर आपके लिए पूरा सक्सेस है आप जो आपने बनाया यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे सर स्काई वॉक है, आप आओगे ना भाई आप? हाँ जी, तो आप लोगों को बताएं जरा कि स्काई वॉक क्या होता है? सर ये ग्लास है सर, ये टफन ग्लास होती है और लोग ग्लास पे इधर से उधर जा सकेंगे। अच्छा, ये स्काई वॉक इसीलिए ये स्पेस छोड़ा गया है कि यहाँ पे स्काई वॉक बना सकूँ मैं ग्लास लगा दूंगा सर। अच्छा, मेरी बात हो रही है, मैं जिस जो मेरा काम करते हैं उनको बोला है आप यहाँ स्काई वॉक लगाइए, यहाँ स्काई वॉक। हाँ जी, आप एस्केलेटर से नीचे गए, आज आप वापस आएंगे तो आप इस पार से उस पार जाने के लिए स्काई वॉक के थ्रू आप जाएंगे। लोग मतलब यहाँ पे चलेंगे और नीचे से दिखाई देगा सर, ये शायद फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा जगह हो जाएगा। अच्छा लगेगा सर आप? हाँ, ये बहुत अच्छा, ये कुछ नया दिख रहा है, नया दिखेगा। बिल्कुल सर, अभी हम मौजूद हैं संजीव जी के साथ इस मॉल के बाहरी परिसर में और जानते हैं यहाँ का बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में भी। संजीव जी, ये पूरा स्पेस है यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे आप? इसमें सर मैं पूरा पत्थर लगा रहा हूँ और साइड साइड में मेरा सर पाम ट्री वगैरह है, पूरा यहाँ पे पाम ट्री है, ग्रीनरी है, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है सर मेरी। अच्छा, तो अभी मैं कल परसों से मेरा इस पर काम चालू हो जाएगा, मैं बोल रखा हूँ, वो आएगा पूरा पेड़ वेड़ सर आपको लगा देगा, इस पूरे लेवल पर मैं पत्थर लगाऊंगा सर, और ये पूरा अच्छा लगेगा आपको देखने में एकदम। पाम ट्री सब लग जाएगी ना सर, अच्छा आएगा व्यू, अच्छी आएगी ऊपर से, ये पूरा मैं यहाँ पे 3D वर्कर दे दूंगा ना इस ऊपर में, आप जो देख रहे हो। अच्छा, लुक अच्छा आएगा सर, आप लुक अच्छा आएगा। और अभी भी आप ये देखो वहाँ पे ऊपर मेरा ग्रेविटी मॉल लिखा हुआ है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लास स्ट्रक्चर है, आप ऐसे ही आपको यहाँ पे सर पूरा मेरा वो FRC का नहीं होता है वो पूरा सीट है, इधर पूरा MS का लगा हुआ है, मैंने लगेगा कि आप मॉल के अंदर हो, आप मॉल के अंदर। हाँ, जो कि हम बाहर ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव में मॉल वगैरह देखते हैं, तो उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट के साथ पटना में पहला मॉल बनने जा रहा है। बिल्कुल, पटना पहला मॉल आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बच्चों के साथ अगर आप ग्रीनरी है यहाँ पे, तो सोचे जरा कि एक मॉल है, मॉल के बाहर गार्डन है, एक छोटा सा ग्रीनरी स्पेस है जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाएगा इस मॉल को। और ये मॉल अपने आप में एक अत्याधुनिक मॉल तो है ही,
साथ में इस मॉल की और भी कोई बाहरी विशेषताएं हैं कि इंटर एग्जिस्ट करने के लिए कहां से गेट नंबर वन होगा? वो गेट नंबर वन होगा जो मेरा वो एंट्रेंस गेट होगा उधर से कार के लिए, और ये अगर मैनुअल एंट्रेंस करेंगे तो वहां पे मैनुअल एंट्रेंस है, सामने एंट्रेंस पे आप आइए, मॉल में एंट्री कर जाइए, एंटर कर जाइए ठीक। उधर से आप आएंगे तो जिस गेट से भी हम लोग उधर थे वो जो मेन गेट एग्जिट कर एग्जिट गेट हो जाएगा, गाड़ी उधर ही से निकल। हाँ जी, आप इंटर इधर से किए एग्जिट उधर से हो गए। मैंने ट्रैफिक का कोई सिग्नल कोई ऐसा पॉइंट छोड़े जहाँ पे आपको जाम लग जाए, परेशान आप हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं। हमने गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो, अलग अलग रास्ते सर, एक ही रास्ते से गाड़ी आ जा रही है तो आप भी परेशान हो रहे हैं, आने का अलग से रास्ता, जाने का अलग से रास्ता, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने शुरू से। अगर आप मैनुअल आएंगे अपना गाड़ी वहाँ उतारिए, आप मॉल के अंदर एंट्री कीजिए, गाड़ी आपकी चली गई। अच्छा ऐसा है, ऐसे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ ये मॉल पटना के अंदर आ रहा है। और कुछ इसमें विशेषताएं बाहर का? थ्री टीयर सिक्योरिटी, सीसीटीवी का सर्वेलेंस सब आपको मिलेगी इसके अंदर यहाँ पे। हाँ, थ्री टीयर सिक्योरिटी, मॉल में एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक आप सिक्योरिटी के अंदर चलेंगे, सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ मॉल के अंदर लगा हुआ रहेगा, वाईफाई इनेबल्ड मॉल देंगे, यानी एक अच्छा अच्छा चीज़ देंगे, आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा चीज़ दिया है बिहार वासियों को। बहुत बढ़िया। और ये जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करवा रही है ये कौन सी कंपनी के द्वारा हो रहा है? ये अलग अलग एजेंसी भी काम करती है सर, लेकिन वो होता है जो मेन जो कंपनी जो गार्डनियन यूटेड डेवलपर्स एलपी बनारूसी का सर, ये ग्रेविटी मॉल के नाम से है, ये बन रहा है मॉल। अच्छा। वही कराती है सर, एजेंसी अलग अलग हायर करते हैं काम करने के लिए, कोई ग्लास लगा रहता है, कोई आपका मैंने पत्थर का काम करते हैं, तो अलग एजेंसी काम करती है सब जगह। अच्छा। टाइल्स के लोग अलग होते हैं, ग्लास के लोग अलग होते हैं, सब एजेंसी करती है। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा संजीव जी आपसे बात करके, काफ़ी अच्छा ये मॉल बन रहा है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये मॉल जितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाए और फिर हम आते हैं इस मॉल में और जानते हैं देखते हैं इस मॉल के बारे में और भी कुछ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।